नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म अलर्ट और एग्जाम पाथफाइंडर .com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट, आप उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जाम की, और इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज की गई है वो है 322। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ जारी की गई हैं जो है 322, और इसकी जो एप्लीकेशन है 26 अप्रैल 2023 यानी कि आज से ही स्टार्ट हुई है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 26 अप्रैल 2023 और जो लास्ट डेट है वो है 16 मई 2023। तो 16 मई 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो इनके द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से जो इनकॉर्पोरेटेड हो, एक्ट के द्वारा सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया के द्वारा, बाकी की अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो इस्टेब्लिश्ड हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और बाकी की अन्य जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो एज लिमिट है इसके लिए वो है 18 से 25 साल। और इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.upscionline.nic.in पर विजिट करना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, और इसके लिए जो एप्लीकेशन टोटल वैकेंसीज है वो भी यहाँ गिवन है, सेंटर्स गिवन है, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी भी जानकारी यहाँ गिवन है। तो आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस नोटिस में मिल जाएगी। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 200 रुपये, और SC ST और फीमेल कैटेगरी को कोई भी फीस नहीं देनी है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है इसके लिए अप्लाई करें और नोटिस को पूरी तरह से गो थ्रू करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। नोटिस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, और जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो इस नोटिस में गिवन है, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। तो इस तरह से आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए जल्दी अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 322 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई हैं, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, और ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है जहाँ पे विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जिस पर टैप करके आप डायरेक्टली पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और ईजिली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पे क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स पे ऑनगोइंग डिस्कशन चल रही है। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो इस तरह से राइटर रिप्लाई का सेक्शन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं। ये अपडेट UPSC से रिलेटेड है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली मिल जाएगा। आपके लिए बहुत ही इजी होगा मैं प्लेटफॉर्म पे इवेंट्स को सर्च करें, क्योंकि सारे इवेंट्स सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं, तो आप इजीली इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।